नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर सुखोई 35 या फिर SU-30 फाइटर जेट राफेल से बेहतर फाइटर जेट है तो भारत ने राफेल विमान क्यों खरीदा? हालांकि सुखोई 35 हम यहां पर किसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि भारत सुखोई 30 का इस्तेमाल करता है, इसीलिए। SU-35 फाइटर की अगर हम बात करते हैं तो ये केवल एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम है। SU-35 केवल रूसी हथियार ले जा सकता है और रूसी सिद्धांत के अनुसार ये एक एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल बम वर्षक यानी कि बॉम्बर्स को स्कॉट करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि ये टुपलोक बॉम्बर के साथ उसे स्कॉट कर सकते हैं। वहीं अगर राफेल की बात करते हैं तो राफेल फाइटर जेट यूरोपीय और अमेरिकी हथियारों के साथ आता है और ये बहुत ही उन्नत सॉफ्टवेयर के साथ आता है। भारत को दोनों ही दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स मिले, जिसका एक अपना राजनीतिक लाभ भी होता है। राफेल फाइटर जेट ओमनी रोल फाइटर जेट है, जिसका मतलब है कि ये बमबारी और हवाई लड़ाई दोनों करने में सक्षम है, और जमीन पर यानी कि लैंड अटैक के मामले में तो ये बहुत ही जबरदस्त है। भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट वायुसेना के बम वर्षक विमान MiG-27 और मिराज की जगह ले लेगा। सुखोई 30 MKI की अगर हम बात करें तो ये SU-35 के ही समान है, राफेल के साथ मिलकर ये काम करेगा, इसे एयर कवर या फिर स्कॉट देगा। वहीं राफेल विमान के रडार प्रोफाइल को देखते हुए सुखोई 30 MKI दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को ध्यान भटकाने का काम कर सकता है, जबकि राफेल नीची उड़ान भर सकता है और दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुस सकता है। लंबी दूरी के गतिरोध वाले हथियार राफेल को वो करने की अनुमति देते हैं जो मिराज और सुखोई फाइटर जेट नहीं कर सकते। वहीं जो सुखोई 35 फाइटर जेट है, इसे खासकर एयर सिक्योरिटी रोल के लिए ही उत्कृष्ट किया गया है। पहले हवा से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलों को ये ले जाता है, यदि जरूरी हो तो ये अपने साथ बम और A2A मिसाइलों का मिश्रण ले जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर सुखोई 35 अपने साथ केवल बॉम्ब्स को ले जाता है तो फिर इसे अपनी मैन्युवरेबिलिटी से समझौता करना पड़ जाएगा, इसीलिए ये फाइटर जेट एयर सिक्योरिटी रोल के लिए ही अच्छा है। राफेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें यूरोपीय, अमेरिकी और इजरायली हथियारों को ये ले जा सकता है। भारतीय वायुसेना की योजना हमेशा सर्वोत्तम हथियारों का मिश्रण रखने की है, जिसके अपने रणनीतिक और राजनीतिक दोनों ही लाभ हैं, क्योंकि आप अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहते। राफेल में स्पाइस बम भी है जिनका अभी तक सुखोई 30 MKI पर कोई समकक्ष नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर दोस्तों, राफेल फाइटर जेट को मुख्य रूप से इसकी बमबारी लैंड अटैक कैपेसिटी के लिए चुना गया था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे एयर डोमिनेंस रोल करने वाले फाइटर जेट्स हैं। ऐसे में दोस्तों, राफेल फाइटर जेट एक सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसमें बेहतर इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और एवियोनिक्स है, और राफेल का जो IRST है वो सुखोई 35 या सुखोई 30 से 2 से 3 गुना बेहतर है। राफेल के साथ आने वाले हथियार पैकेज में मिट्योर मिसाइल लगी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल मानी जाती है। हालांकि सुखोई 30 MKI में भारत ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस ALCM को भी लगा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सुखोई 30 MKI की क्षमताओं को बेजोड़ बना देगी। अब आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार।